एक पुलिसकर्मी के सुने मकान पर धावा बोलकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। जी हां, मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर अपने मृतक के घर गए थे, तभी बसंत विहार में उनके घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यहां हम आपको बता दें, महज 19 घंटे के लिए घर क्या खाली छोड़ा, चोरों ने घर में घुसकर 5 लाख के जेवर और केश चोरी कर लिया। बसंत विहार में चोर सुने मकान पर हाथ साफ कर गए। एसआई ने केवल 19 घंटे के लिए घर खाली छोड़ा था, इस बीच घर में घुसकर बदमाशों ने 5 लाख के जेवर और केश चुरा लिए। दरअसल चोरी की यह वारदात सुसनेर थाने में पदस्थ एसआई संजय सिंह राजपूत के यहां हुई है। राजपूत परिवार के साथ राजगढ़ स्थित पैतृक घर गए थे। 1 जनवरी की दोपहर करीब 2 बजे वह राजगढ़ के लिए निकले थे और 2 जनवरी की शाम 7 बजे लौटे थे। जब वह घर में घुसे तो मुख्य गेट पर एक ही जगह 2 ताले लगे थे। हालांकि अंदर का दरवाजा खुला हुआ था और पूरा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से बदमाश 5 लाख रुपए कीमत के आभूषण और केश ले गए। राजपूत की पत्नी रानू राजपूत ने नानाखेड़ा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। थाना जिबाजीगंज के अंतर्गत एक जो कार्यक्रम शहर सपाटा था, उसमें खाद चौक के पास जो बैलून्स जो गुब्बारों में गैस भरी जाती है, उसका जो सिलेंडर था वो फटने से उसमें कुछ बच्चे भी घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा है। और इसमें एक पूरे मामले में अपराध एक पंजीबद्ध किया गया है लापरवाही का। थाना जिबाजीगंज में एक लापरवाही का मुकदमा जो गैस इस प्रकार की टंकी भरने वाले के विरुद्ध में किया गया है और विवेचना की जा रही है। सर, कुछ लोग मुआवजे के लिए थाने पर भी घेराव करने पहुंचे थे समिति के खिलाफ, चूंकि इसमें ये जो मामला है प्रथम दृष्टया है, इसमें जो लापरवाही है जो जिसके द्वारा गैस भरी जा रही थी उसके द्वारा ही ये लापरवाही की गई है और इसी में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विवेचना की